नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स के बारे में, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और डेटा टाइप कन्वर्जन इंटीजर और फ्लोट के बीच में। एक इंटीजर को एक फ्लोट के साथ जब कन्वर्ट करते हैं या एक इंटीजर और एक फ्लोट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन या जो कुछ भी परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आपने देखे होंगे जो कि दो अलग अलग ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। तो जैसे अगर आप जोड़ते हैं तो दो नंबर्स कम, अगर आप नंबर्स को जोड़ रहे हैं तो कम से कम दो नंबर्स की जरूरत होगी। अगर आप किसी एक नंबर से दूसरे नंबर को घटा रहे हैं तो दो नंबर्स की जरूरत होगी। तो यहां पर जितने भी ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं, ये एग्जाम्पल के लिए प्लस माइनस परसेंटाइल डिवीजन एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लीकेशन राइट और इक्वल टू डबल इक्वल्स, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सभी ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी मींस जो दो ऑपरेंड्स पे कम से कम काम करें राइट, क्योंकि अगर आपको नंबर जोड़ना है, घटाना है, कुछ भी करना है तो एटलीस्ट दो नंबर्स चाहिए। ठीक है, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, दो के बीच में कंपेयर करना। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए आपको कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना होता है। ये दो ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। अब आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स पे। सी लैंग्वेज में यूनरी ऑपरेटर्स भी होते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स का मतलब होता है वो ऑपरेटर्स जो कि एक ही ऑपरेंड पे काम कर सकते हैं, जैसे डबल प्लस और ये जो डबल माइनस आपको दिख रहा है, इनको हम कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये भी दो तरीके के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, ये दो तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। तो इनके बारे में भी हम अभी देखेंगे वीडियो में कि किस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं, इनका क्या मतलब है और क्या सिग्निफिकेंस है। बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स को लेकर के, और इनको लेकर के आपके एग्जामिनेशन में या एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ जब आपका प्रोग्रामिंग का टेस्ट होता है तो उस समय ये क्वेश्चंस, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से समझिएगा। और आइए देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में हमारा है इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन। तो इंटीजर और फ्लोट, अगर इन दोनों के साथ हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, जैसे प्लस माइनस इक्वल्स टू या मल्टीप्लीकेशन, कोई भी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं इंटीजर और फ्लोट के बीच में, तो वो किस तरीके से फ्लोट और इंटीजर का कन्वर्जन होता है, फ्लोट को इंटीजर के साथ जोड़ेंगे तो क्या इंटीजर मिलेगा या फ्लोट मिलेगा, ये सारे रूल्स यहां पर लिखे हुए हैं। तो ये रूल्स अभी आप देख लीजिए, अगर आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम जाकर के इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। इंटीजर को इंटीजर के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा एक इंटीजर मिलेगा, फ्लोट को फ्लोट के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा रिजल्ट एक फ्लोट आएगा। ये प्लस के अलावा आप यहां माइनस और मल्टीप्लीकेशन, ये सब पे एप्लीकेबल होगा, डिवीजन पे भी, मल्टीप्लीकेशन पे भी, किसी भी तरह की एक्टिविटी में ये फ्लोट प्लस फ्लोट, फ्लोट ही आएगा। ठीक है, इंटीजर को जब फ्लोट के साथ जोड़ेंगे तो पहले इंटीजर जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट होता है, जोड़ने पर इंटीजर जो है फ्लोट में कन्वर्ट होता है, घटाने पर भी इंटीजर पहले फ्लोट में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन करने पर भी और डिवीजन करने पर भी इंटीजर पहले फ्लोट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो फ्लोट में जुड़ेगा। सिंस फ्लोट का फ्लोट एडिशन होगा तो फ्लोट ही आपको रिजल्ट में मिलेगा। ठीक है, अगर हम इंटीजर में किसी फ्लोट वैल्यू को डालते हैं, ठीक, अगर हम इंटीजर में किसी फ्लोट वैल्यू को डालते हैं तो इंटीजर डिमोट हो जाता है, फ्लोट डिमोट हो जाता है इंटीजर में, यानी फ्लोट अब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका डिमोशन हो जाएगा। तो रूल सिंपल सा ये होता है, जैसे इंटीजर है ये हमारी कितने बाइट की जगह लेता है, ये जगह लेता है 2 बाइट 4 बाइट। हमारे मॉडर्न कंपाइलर्स, जो हमारा जो कंपाइलर मैं यूज कर रहा हूँ 2019 में, विजुअल स्टूडियो 2019 में, वहां वो 2 बाइट्स नहीं 4 बाइट्स लेता है इंटीजर, और फ्लोट ये भी 4 बाइट लेता है, लेकिन प्रेसीजन की वजह से इसका डेटा टाइप क्या है, बिगर है। सो ये जो फ्लोट है ये इंटीजर के साथ जब असाइन होगा तो ये अपनी जो है डिमोशन इसकी हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। ठीक है, लेकिन जब हम फ्लोट के अंदर इंटीजर डालेंगे तो आपने देखा होगा कि फ्लोट कोई भी वैल्यू हो उसको इंटरनली हमारा जो सिस्टम है वो एक डबल की तरह स्टोर कर रहा है, और डबल कैसा है, डबल हमारा ज्यादा जगह लेने वाला डेटा टाइप है 8 बाइट्स का, और इंटीजर क्या है हमारा 4 बाइट्स का है, इसलिए इंटीजर प्रमोट हो जाता है बड़े वाले में। ठीक है, जो बड़ा वाला है अगर उसमें आप कोई वैल्यू डाल रहे हो तो छोटा वाला उसके बराबर प्रमोट हो जाता है। ठीक,
और इसी तरीके से इंटीजर और फ्लोट के केस में छोटा वाला बड़ा वाला, अगर आप छोटे वाले में बड़ा वाला डाल रहे हो तो उसका डिमोशन हो जाता है, इंटीजर के लिए याद रखना है। बाकी डेटा टाइप्स के लिए जैसे जैसे वीडियो हमारे आगे आते जाएंगे आप उन्हें नोट करते जाइएगा, हमारे सामने बहुत से सिनेरियोज आते रहेंगे जब तक हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चार्ट है इंटीजर और फ्लोट कन्वर्जन का। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, कैसे रिजल्ट्स आते हैं। सो यहाँ पर आते हैं और इसको हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं सो दैट इजी हो हमारे लिए इनके एग्जांपल्स देखना। सो यहाँ पर मैं पहले इसको नोट कर लेता हूँ सो दैट हम इजीली इन चीजों को समझ पाए। तो पहले हम बाइनरी ऑपरेटर्स देखेंगे जो दो ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, प्लस माइनस। प्लस माइनस को आप जानते हैं दो नंबर्स को जोड़ने के काम आता है, माइनस दो एक नंबर से दूसरे नंबर को घटाने के काम आता है, राइट। तो हमने यहाँ पर कोई नंबर ले लिया, अगर इंटीजर के लिए इंट लिया, इंट ए ले लिया, इसमें वैल्यू डाल दी 10, इंट बी ले लिया, इसमें वैल्यू डाल दी 2, तो क्या होगा। और अगर हम इसमें एक और इंटीजर ले ले इंट सी, इसमें हम कर दें ए प्लस बी, तो क्या होगा, ए और बी का एडिशन होकर के इंटीजर और इंटीजर का एडिशन होकर के इंटीजर में जाएगा और वो क्या हो जाएगा, इंटीजर ही होगा, तो यहाँ पर 12 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप परसेंटाइल डी डाल करके यहाँ पर सी को प्रिंट कराते हैं तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 12 प्रिंट होगी, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज 12। अब इसमें हम देखते हैं माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें जो नए नए ऑपरेटर्स आपको देख रहे हैं परसेंटाइल डिवीजन, डिवीजन भी आपको पता है, लेकिन डिवीजन को लेकर के हमें एक चीज क्लियर करनी होगी। जैसे अगर मैं डिवीजन का यूज करूं a डिवाइड बाई 2, a डिवाइड बाई b, तो उस केस में क्या है 10 डिवाइडेड बाई 2 होता है ये, सो विच मीन्स इजिली इट विल कम टू 5, ठीक है 5 आएगा, ठीक, आपने ये देखा होगा द वैल्यू ऑफ a इज 5। अब यहां पर अगर मैं 3 रख दूं तो ये इंटीजर है इसलिए 3 3 9, अब 3 4 की तरफ ये नहीं जा सकता, तो a डिवाइडेड बाई इस केस में आपको 3 रिजल्ट मिलेगा। So, जितनी बार मैक्सिमम जा सकता है डिवीजन उतनी बार की ही रिजल्ट वैल्यू यहां पर आएगी, द वैल्यू ऑफ ए इज 3, क्योंकि ये 3 3 9 बस वहीं तक जाएगा, तो जितने बार ये जाएगा इस वैल्यू को पाने से पहले उतनी ही वैल्यू डिवीजन के बाद असाइन हो जाएगी। सो ए डिवाइडेड बाई बी मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 3 विच विल बी लाइक 3 3 9, सो 3 यहाँ पे असाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं परसेंटाइल ऑपरेटर पे, ये आते हैं परसेंटाइल, लेकिन उससे पहले एक चीज और दिखा दूं, अगर आपका ये इंटीजर नहीं था या फिर आपने इसको a डिवाइड बाई बी किया था, यहाँ पे परसेंटाइल d के बजाय आपने परसेंटाइल f कर दिया जो कि फ्लोट नंबर का था, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि 3 3 9 होने के बाद ये जब फ्लोट में कन्वर्जन होने का मौका इसके पास हो तो 3.33 समथिंग आना चाहिए, तो देखते हैं क्या ऐसा करता है ये। यस, यहाँ पे देखिए 0.000 कर दिया इसने, राइट, क्योंकि ये कन्वर्जन अलाउड नहीं है, राइट। तो 3 3 9 ये एक्सपेक्ट मत करिएगा यहाँ नए कंपाइलर में, आप इसको टर्बो सी में भी जरूर देखिएगा, अलग अलग कंपाइलर्स में ये बिहेवियर अलग अलग होता है, ठीक है, आप वहां पर भी देख लीजिएगा। सो यहाँ पे परसेंटाइल डी आप लिखेंगे तो ये परसेंटाइल एफ अगर आप लिखते हैं तो आपको ये भी फ्लोट और ये भी फ्लोट, ठीक है, ऐसा करना होगा, और यहां पर भी फ्लोट। और अब हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं, अब आपको मिलेगा 3.33333। सो अगर इस तरह की सिचुएशंस कहीं पर भी हो तो आप उसको क्या करें, फ्लोट में लेकर के डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग है, ठीक है। वापस आते हैं इंट पे, यहां पर भी हम इंट डाल देते हैं, ठीक है। अब यहां पर ए परसेंटाइल ऑपरेटर का यूज करते हैं, परसेंटाइल ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, डिवीजन ऑपरेटर डिवीजन करने के लिए यूज कर रहे थे, परसेंटाइल ऑपरेटर किसके लिए यूज करते हैं, रिमाइंडर के लिए। तो 3 को 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, 3 3 9 एंड रिमाइंडर इज 1। सो यहां पर जब आप इसको परसेंटाइल डी करेंगे और यहां पर रिमाइंडर देखना चाहेंगे तो आपको यहां पर परसेंटाइल सी, यहां पर द वैल्यू ऑफ ए इज 1 आ गया क्योंकि रिमाइंडर इज 1, ठीक है। अब हम चलते हैं इक्वल्स ऑपरेटर पर, इक्वल्स ऑपरेटर आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ए में 10 डाला, बी में 3 डाला, ये सिंपल सा है। अगर आप इसमें चाहो इंट डी आपने लिया हुआ है, इस डी में आप चाहो कि
इन डी को आपने डिक्लेयर कर दिया और डी में आप चाहते हो कि आप ए डाल दो, तो ये ए को असाइन कर देगा डी में, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली असाइन करता है वैल्यू। सो डी को अगर आप प्रिंट कराते हो यहाँ पे, तो ए की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इतना ही काम करता है, द वैल्यू ऑफ ए इज 10, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ डी इज 10, ठीक है, तो डी इज 10 करके आ जाएगा। अब ये आता है कंपेरिजन ऑपरेटर, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। इस ऑपरेटर को यूज करते समय आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये ऑपरेटर तभी काम करता है जब दोनों डेटा टाइप सेम टाइप के, ठीक है, जैसे इंट ए 10 है, राइट, इंट ए अगर 10 है और यहां पर मैं लिखूं इंट बी इज इक्वल टू, या फिर हम इसको ऐसे देखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं कंपैरिजन रिजल्ट, इज परसेंटाइल डी, यहां पर हम लिखते हैं ए डबल इक्वल्स 10। अब देखते हैं ये प्रिंट क्या करता है। कंपैरिजन हमने यहां पर किया ए डबल इक्वल्स 10, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए चाहे तो खूबसूरत लगने के लिए, ठीक है। यहां पर ए डबल इक्वल्स 10 किया है हमने, तो जो कुछ भी इस ए डबल इक्वल्स 10 करने के बाद रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर के फॉर्म में आता है। तो वो क्या आएगा वो यहां पर आपको दिखाई देगा, वो प्रिंट होगा परसेंटाइल डी, का मतलब होता है जो रिजल्ट यहाँ पे इंटीजर में आ रहा है उसको यहाँ प्रिंट करो, राइट, यही तो होता है। सो आइए अब हम देखते हैं प्रिंट करा के कि ए डबल इक्वल्स 10 करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। द कंपेरिजन रिजल्ट इज 1। 1 क्यों आया, क्योंकि ए डबल इक्वल्स 10 ये ट्रू है। डबल इक्वल्स मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, आई एम नॉट असाइनिंग 10 टू ए, मैं ए की कंपेरिजन कर रहा हूँ, ए की तुलना कर रहा हूँ 10 से। तो क्या ए 10 के बराबर है, अगर a 10 के बराबर है तो ये वैल्यू 1 आएगी, ये रिजल्ट 1 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर a 10 के बराबर ना करके मैं 11 के बराबर सर्च करने की कोशिश करूं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो ये इस बार क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर अगर हम कंपैरिजन करते हैं और वैल्यू सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर हम कंपैरिजन करते हैं और वैल्यू सेम नहीं है तो उस केस में ये 0 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, इंट सी इज इक्वल टू ए डबल इक्वल्स 10, ठीक है, यहां पर सेमी कॉलन लगा दीजिए और यहां पर आप सी की वैल्यू प्रिंट करा लीजिए, यहां पर भी आपका काम बन जाएगा। सो अगर आप इसको प्रिंट कराते हैं तो आप इसको अगर देखें तो इट विल बी 1, राइट। अब यहां पे आप क्या करिए, 11 कर दीजिए, तो अगेन ये आपका 0 आएगा यहां पर, द कंपेरिजन रिजल्ट इज 0। अब अगर हम एक काम और करें, यहां पर इंट बी ले लें और यहां पर हम ले लें 10 और ए डबल इक्वल्स बी करें, ठीक है, तो क्या आएगा, तब भी रिजल्ट आपका 1 आएगा क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। इसलिए आप ये डबल इक्वल्स ऑपरेटर और ये सिंगल इक्वल्स ऑपरेटर, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये जो कंपेरिजन ऑपरेटर है, इसका बड़ी सावधानी से यूज करिएगा। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट इसको यूज करते समय ना जल्दीबाजी में ऐसा लिख जाता है, ठीक है, ये पता है क्या आएगा, ए में बी असाइन हो जाएगा, यानी 10 असाइन हो जाएगा और सी में, फिर जो ए में असाइन हुआ है वो सी में असाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके यहाँ बनाए जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जहां पर इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत से ऑपरेटर हैं, वो हम अगली क्लासेस में देखेंगे, आज मैं बेसिक ऑपरेटर्स आपको बता रहा था, तो इतनी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब अगर यहाँ पे आप ये सोचें कि इंट ए अगर 10 है और फ्लोट एफ अगर 10 है और फ्लोट बी अगर 10 है और अगर आप ए और बी को कंपेरिजन करेंगे तो आप ये सोचें कि दोनों बराबर आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ये आएगा आपका 0, ये आपका बन आ गया, ओके। सो अब अगर आप इसको जाकर के चेक करें अपने टर्बो सी के कंपाइलर में ना, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अगर आप इसको 10.0 कर दें तब देखें क्या होता है। सो ये आप कंपैरिजन करते रहिएगा विजुअल स्टूडियो 2019 से और अपने टर्बो सी के कंपाइलर से। आप यहां पर देखिए, इसने इसको कंपेरिजन करते समय जो है फ्लोट को इंटीजर में, या इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया होगा। किसको कन्वर्ट किया होगा, इसने फ्लोट इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया होगा, राइट, क्योंकि मैंने बताया कि ऑपरेटर्स का यूज करते समय जो हमने ये वाली चीज देखी थी, दूसरी जो स्लाइड देखी थी, कि
इंटीजर प्रमोट हो जाता है फ्लोट में जब भी फ्लोट और इंटीजर के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो बाइनरी ऑपरेशंस में। तो यहां पर फ्लोट, यहां पर इंटीजर, ये फ्लोट में कन्वर्ट हुआ होगा तो ये ए भी फ्लोट में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्लोट डबल, इसको हम डबल कर दें और फिर देखें तो क्या होता है, तो भी ये ट्रू आता है। क्यों क्यों आता है, क्योंकि वही रीजन है, डबल और फ्लोट। डबल 8 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, तो फ्लोट को कन्वर्ट कर दिया जाता है डबल में, इसका प्रमोशन हो जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन करते समय हमेशा छोटे वाले डेटा टाइप का बड़े वाले डेटा टाइप में प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन ये चीज अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आपके यहाँ वो नीला वाला टर्बो से यूज होता है तो वहां जाकर के भी इस प्रोग्राम को आप चला करके देख लीजिएगा कि ये कैसा बिहेव करता है, ठीक है। उसके बिना बात नहीं बनेगी, राइट। सो आइए देखते हैं आगे, ये चीजें हमने देख ली। अब यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओके, यहां पर ए ले लेते हैं, यहां पर एक वैल्यू ए ले लेते हैं, int a is equal to 10, ठीक है। यहां पर a is equal to 10 किया और मैंने यहां पर a plus plus किया। ये जो यूनरी ऑपरेटर है ये a की वैल्यू को बढ़ा देता है, ठीक है। कितने से, इंक्रीमेंट्स द वैल्यू बाय 1, यानी a की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, 11 प्रिंट होगा, ठीक है, यहां 11 प्रिंट हुआ, ठीक। और अगर हम इसको, ये इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ये जो मैंने ए के बाद लगाया है ना डबल इक्वल्स, इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर मैं इसको प्री इंक्रीमेंट करूं तो क्या होगा, तो भी ये ए की वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है, राइट। तो कंपैरिजन रिजल्ट की बजाय मुझे कुछ और प्रिंट कराना चाहिए, द रिजल्ट इज प्रिंट कराना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं इसको रन कराऊं देन द रिजल्ट इज, यहां पर आना चाहिए 11। तो आपने देखा कि दोनों ही कंडीशंस में तो ये प्लस प्लस जो है ऑपरेटर इसको बाय 1 इंक्रीमेंट ही करता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। मैं इसको यहां से हटा देता हूं, यहां पे मैं इसको कमेंट कर देता हूं और जो काम है ना वो अब मैं यहां करता हूं, ए प्लस प्लस। आपको क्या लगता है ये प्रिंट एफ क्या प्रिंट करेगा, आपको लग रहा है 10 प्रिंट करेगा, 11 प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, लेट अस सी। ये 10 प्रिंट करेगा, राइट, जबकि हमने तो दिया है ए प्लस प्लस, राइट, ए प्लस प्लस दिया है। तो ये यहां पर 11 यहां पे क्यों नहीं हुआ और यहां पे कैसे हो गया, इसका रीजन ये है कि प्लस प्लस एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले प्रिंट कर दो, पहले ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, समझ रहे हैं, बड़ा ध्यान समझिएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है फर्स्ट परफॉर्म द ऑपरेशन। यहां पे क्या ऑपरेशन था, यहां पे ऑपरेशन है प्रिंट करने का कि इसको प्रिंट करो, फर्स्ट परफॉर्म द ऑपरेशन एंड देन इंक्रीमेंट, राइट। और प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, फर्स्ट इंक्रीमेंट एंड देन परफॉर्म द ऑपरेशन। सो अगर मैं एक काम करूं, यहां पर a प्लस प्लस के बजाय मैं इसको प्लस प्लस a कर दूं, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ये यहां पर 11 ही प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि इसने पहले इसको बढ़ा दिया होगा उसके बाद प्रिंट करने का काम किया होगा, राइट। सो लेट सी, यहां पे आपका 11 प्रिंट होगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप समझ गए। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले आप अपना एक्शन परफॉर्म करो, जो एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे यहां पे प्रिंट एफ है, इट मींस कि पहले इसको प्रिंट करना है और उसके बाद इंक्रीमेंट करो। और प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले आप इंक्रीमेंट कर दो और उसके बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म करना था यानी कि प्रिंट करना था वो काम कर दो, ठीक है। तो इन दोनों का फर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड ना कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हमने ए लिया हुआ है, एक बी भी ले लेते हैं, इंच बी सी, ठीक है। एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने हो तो आप इस तरीके से करते जा सकते हैं, बी सी डी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको भी वैल्यू आपको डिफॉल्ट असाइन करनी है वो भी कर सकते हैं, आपको सी को 19 देना है, कॉमा लगा के एक लाइन में ढेर सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर इसको रहने देते हैं, अभी आप नोट कर लेना इस चीज को, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज है, अलग से
बताना सही नहीं समझता, क्योंकि सी का कोर्स थोड़ा सा वास्ट है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें आपको नहीं बताने वाला, धीरे धीरे बीच बीच में बताता रहूंगा जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ये पूरी सीरीज ही टिप्स एंड ट्रिक्स पे बेस्ड है, तो हर लाइन मेरी ध्यान से सुनिए और जो भी नोट करने लायक है उसे नोट कर लीजिए। अब यहां पर हम ना पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। यहां पे हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू मान लीजिए हमने दे दी, नहीं बी की वैल्यू नहीं, हाँ ओके, बी की वैल्यू हमने दे दी 11, सी की वैल्यू दे दी हमने 12 और डी में हमने डाल दिया 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर डी इज इक्वल टू बी प्लस प्लस ये करता हूं और यहां पर डी को प्रिंट कराता हूं। आप समझ रहे हैं, डी इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, यानी बी प्लस प्लस को डी में असाइन करना है, बी की वैल्यू प्लस प्लस यानी पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद डी में असाइन करनी है। लेकिन ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, राइट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सीधे से इस डेफिनेशन पे जाइए, फर्स्ट परफॉर्म द एक्शन एंड देन इंक्रीमेंट। तो होगा क्या, डी में पहले बी की जो भी प्रेजेंट वैल्यू है यानी क्या है 11, वो पहले असाइन हो जाएगी, राइट। ए को हटा देते हैं, पहले बी की वैल्यू डी में असाइन हो जाएगी, उसके बाद बी की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी, राइट। तो डी की वैल्यू अगर आप यहां पे प्रिंट करते हैं तो कितनी आनी चाहिए, आपको क्या लगता है, यहां पर वैल्यू आएगी बी डी की प्रिंट कराने पर 11 आएगी, ठीक है, इतनी ही आई जितनी है, क्योंकि किया क्या है, डी में पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले ऑपरेशन परफॉर्म करो, यानी पहले बी को डी में असाइन कर दो, उसके बाद बी को बढ़ाते रहना, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पर देखेंगे परसेंटाइल डी, और यहां पर अगर आप एक परसेंटाइल डी और कर दें, यानी बी की वैल्यू भी प्रिंट करा के देखें, डी भी प्रिंट कराया और बी भी प्रिंट कराया, तो आपने देखा कि बी की वैल्यू डी में असाइन होगी 11, बट बी की वैल्यू उसके बाद क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो यहां पर डी की वैल्यू आपकी 11 प्रिंट होगी और बी की वैल्यू यहां पर 12 प्रिंट होगी। सो लेट्स गो, तो यहां पर अगर आप देखें द रिजल्ट इज 11 12, सो 11 किसकी वैल्यू है, सी की, सॉरी डी की वैल्यू है, और जो बी की वैल्यू है वो कितनी हो गई इंक्रीमेंट के बाद 12 हो गई, ठीक है। अगर हम इसको प्लस प्लस बी कर दें तो क्या होगा, प्लस प्लस का मतलब होता है पहले इंक्रीमेंट करो और देन परफॉर्म द ऑपरेशन, यानी पहले बी की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, क्या हो जाएगी 12, और तब ये बी की वैल्यू डी में असाइन होगी, यानी डी भी ये बी भी 12 हो जाएगा पहले इंक्रीमेंट होकर के, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी ना वो डी में असाइन होगी, यानी डी और बी यहां दोनों ही 12 प्रिंट होंगे, 12 प्रिंट होंगे, राइट। द रिजल्ट इज 12 12। सो हियर यू गो, सो ये सारी चीजें आपकी होती हैं यूनरी ऑपरेटर्स के साथ। ये जो आपका प्लस प्लस के साथ ट्रू है ना, यही चीज आपकी माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ भी ट्रू है। सो आपके लिए ये एक्सरसाइज है कि आप अपने आप ये नेगेटिव वाला करके देखिएगा, जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर वाला काम है वो एक्सरसाइज आप खुद करके देखिएगा, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट खुद से क्लियर हो, राइट। तो ये वाली चीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं ये फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्जन वाली जो चीज थी इसको देख लेते हैं। इंटीजर का इंटीजर में एडिशन ये आप समझ चुके हैं, फ्लोट का फ्लोट में एडिशन आप ये समझ चुके हैं, राइट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं सो दैट यहां पर आपको इजी हो चीजों को समझना, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, ये वाली जो चीज है इंटीजर और फ्लोट, ये तीन चीजें आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। ये सब हटाते हैं यहां से और यहां पे क्या करते हैं, इंटीजर एक इंटीजर लेते हैं, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 और फ्लोट बी इज इक्वल टू 30, ठीक है, 30.0 या जो भी लेना है ले लिया। अब यहां क्या किया हमने, इंटीजर और फ्लोट को ऐड करके देखना है, ठीक है। तो अगर मैं इंटीजर और फ्लोट को ऐड करूं ए और बी को, तो यहां पर आप एक काम करो, यहां पर परसेंटाइल डी रहने दो और यहां पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, ए प्लस बी कर दो, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या देना होगा, परसेंटाइल एफ देना होगा, क्यों, क्योंकि ए जब बी में ऐड होगा तो क्या है, यहां पर इंटीजर को फ्लोट में ऐड करोगे तो इंटीजर पहले फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद दूसरे फ्लोट के साथ इसका एडिशन होगा और रिजल्ट क्या आएगा, एक फ्लोट आएगा, ठीक है। तो यहां पर इसलिए ये जो इसका ऑपरेशन का रिजल्ट आएगा वो आएगा एक फ्लोट वैल्यू, इसलिए आपको यहां पर परसेंटाइल एफ लिखना पड़ रहा है। तो सेव करते हैं और इसको चलाकर देखते हैं, ये देखिए आपका फ्लोट में आया 40.000, राइट।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लोट की वैल्यू, दूसरा रूल क्या था, इंटीजर में अगर हम फ्लोट असाइन करते हैं तो फ्लोट डिमोट हो जाता है, इंटीजर बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं ले लूं इंट सी और इसमें मैं डाल दूं बी, और यहां पर मैं 30.13 ऐसे कुछ दे दूं, प्रॉपर फ्लोट बना देता हूं एक। अब देखता हूं कि सी में अगर मैं बी डालता हूं और सी को प्रिंट कराता हूं यहां पर, ठीक है, तो रूल क्या है, इंटीजर में जब आप फ्लोट असाइन करोगे तो वो क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, ये इंट ही आएगा, क्योंकि ये बी हमारा फ्लोट भले ही है लेकिन जब ये असाइन होगा तो इंटीजर बनेगा। इसीलिए जब हम यहाँ पर सी को प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पर हमें इंटीजर को प्रिंट कराना है, सो इट्स परसेंटाइल डी। तो आइए देखते हैं क्या होता है। आपने देखा ये इंटीजर बन गया, 13.13 में ये 13 का मतलब खत्म हो गया। अच्छा एक बार ये करके देखते हैं 83, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या ये इसको 31 बनाता है, नहीं बनाता, राइट। सो आप ये मत सोचिएगा कि फ्लोट में अगर आपकी प्रेसीजन के आगे 0.5 से आगे कुछ जाता है तो वो उसको कन्वर्ट करके प्लस 1 कर देगा, जैसा कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में होता था, तो वो यहां नहीं होगा। एंड अगेन आपको मैं फिर से बता दूं कि यही चीज आप जा करके टर्बो सी पर जरूर देखिएगा, बिकॉज अलग अलग कंपाइलर्स पे अलग अलग रिजल्ट्स आना पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब हम देखते हैं फ्लोट में इंटीजर, मैं क्या करता हूं, फ्लोट लेता हूं एक, फ्लोट सी, और इसमें क्या डालता हूं, ए डालता हूं। अब मैं यहां पर सी को प्रिंट कराता हूं, फिर देखता हूं क्या आता है। यहां पे जीरो क्यों आया, क्योंकि ये हमारा सी क्या बन जाएगा, फ्लोट बन जाएगा, ए हमारा इंटीजर है, ए का प्रमोशन हो जाएगा, ये फ्लोट बन जाएगा, सी में असाइन होगा। लेकिन अगर आप फ्लोट को परसेंटाइल डी से प्रिंट कराओगे तो प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज ये फ्लोट है, सी एक फ्लोट बन चुका है, ए की वैल्यू फ्लोट बनके सी में असाइन हो चुकी है, राइट, एज पर दिस रूल। इसीलिए यहां पर आपको परसेंटाइल एफ देना होगा एंड देन यू नीड टू रन इट, राइट। अब आपका रिजल्ट आ गया 10.000, यानी कि जब आप इंटीजर को फ्लोट में असाइन करते हैं तो इंटीजर का प्रमोशन हो जाता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे और खुद से देखेंगे। आई नो कि अभी बहुत ही लेंदी वे में मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन मैंने टारगेट किया है उन सभी स्टूडेंट्स को जो सी को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। आप मेरे साथ करते जाइए, आपको आगे और भी ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको बिल्कुल आसान कर देंगी सी लैंग्वेज को समझना। वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपको परेशान करते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपके क्लियर किए जाएंगे। तो अभी 6-7 वीडियो तक जब तक कि फाउंडेशन आपका प्रिपेयर नहीं हो जाता, फाउंडेशन आपका तैयार नहीं हो जाता, तब तक थोड़े से लेंदी वीडियोस रहेंगे, और थोड़े से हो सकता है जो ऑलरेडी इन चीजों को जानते हैं उन्हें ये वीडियोस बोरिंग भी लग सकते हैं। लेकिन मैंने टारगेट किया है सभी स्टूडेंट्स को, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो कोई भी हों, चाहे वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों, हर तरह के बंदे को मैंने टारगेट इन वीडियोज के जरिए किया है। सो बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।